आज मैं आप सभी लोगों के लिए फूल गोभी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। ये कोफ्ते मैंने भाप में बनाए हैं। आप चाहें तो इन्हें तलकर भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने उड़द की दाल को रात में भिगो दिया था और उसी में डाली थी थोड़ी सी चने की दाल। और अब मैं इस दाल को मिक्सी में पीस लूँगी। दाल को मैंने अच्छी तरह से धुल लिया है, तो दाल ने पीस कर रख लिया है। और मैंने ली है ये गोभी। गोभी को मैंने अच्छी तरह से धुलकर इसे चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस में भी घिस कर ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई गोभी, आधा चम्मच गरम मसाला, दो चुटकी हींग, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सादा नमक। और अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी। और अब मैंने डाली है कटी हुई हरी धनिया, इसे भी मैं इसी में मिक्स करूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं बनाऊंगी इसके कोफ्ते। तो सभी कोफ्ते बना लिए हैं और अब मैं इन्हें थोड़ा सा गोल शेप में बना लूंगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था और पैन में डाला है सरसों का तेल। और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैंने सभी कोफ्ते इस पैन में डाल दिए हैं और फ्लेम को स्लो कर दिया है। और 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी। अब इसी दाल वाले जार में मैंने डाले हैं कटे हुए टमाटर, लहसुन और हरा धनिया, इसे भी मैं पीस कर रख लूंगी। और लगभग 5 मिनट के बाद मैं देख लेती हूँ कि कोफ्ते कैसे फ्राई हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इनका कलर चेंज हो गया है। और अब मैं इन्हें दूसरी तरफ भी पलट दूंगी। और सभी कोफ्ते पलटने के बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 2-3 चम्मच पानी और लगभग 5 मिनट के लिए मैं इन्हें फिर से कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से भाप में पक जाए। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो टमाटर के पेस्ट को मैंने पीस कर रख लिया है और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। अब लगभग 4-5 मिनट के बाद मैं कवर को हटाकर देख लेती हूँ कि कोफ्ते कैसे पक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। कोफ्ते पकते समय फ्लेम को आपको स्लो ही रखनी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये सभी अच्छी तरह से पक चुके हैं और मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूंगी। पैन में मैंने डाला है सरसों का तेल और तड़के के लिए डाली है 2 चुटकी हींग। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट जिसे मैंने पीस कर रखा है। और इसी में मैंने डाली है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का कलर और भी अच्छा आता है। और लगभग 3-4 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी। और मैंने लिए हैं सभी मसाले, धनिया पाउडर लगभग 1 चम्मच भर के,
नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर। अब सभी मसालों को मिक्स करते हुए मैं इन्हें भी चलाऊंगी। अब 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सभी मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसाले को मिक्स करूंगी। अब सभी मसाले पानी में मिक्स होकर मेल्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई किए हुए कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद मैं इन्हें चलाऊंगी और लगभग 4-5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर फिर से कवर करके रख दूंगी ताकि मसाले कोफ्ते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब कवर को हटाकर मैं देख लेती हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इन्हें फिर से मैं चलाऊंगी। अब लगभग 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी को मैंने गरम करके रखा है। और अब मैंने डाला है पानी। पानी और मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसे मैं कुछ देर के लिए फिर से कवर करके रख दूंगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला है और मैं इसे कवर करके फिर से 2-3 उबाल आने के बाद स्लो फ्लेम पर ढककर रख दूंगी और आप देख सकते हैं फ्राई किए हुए कोफ्ते अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं कवर को हटाकर देख लेती हूँ कि गोभी के कोफ्ते कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं कि गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार हैं और इन्हें चलाने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें नीचे उतार लूंगी। अब इन्हें चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी धनिया। धनिया को भी मैं इन कोफ्तों में अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अब 2-3 मिनट ठंडे होने के बाद मैं इन्हें निकालूंगी इस प्लेट में सर्व करने के लिए। मसाले भुनने के बाद जब आप कोफ्ते डालें और पानी डालें उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर लगभग 2-3 उबाल आने के बाद फ्लेम को 5 मिनट के लिए स्लो कर दें। गार्निशिंग के लिए मैंने डाली है कटी हुई हरी धनिया और एक मिर्च। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।